रविवार को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा युवा प्रकोष्ठ की तरफ से पटना के कारगिल चौक से डाक बंगला चौराहा तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपनी कई मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पैदल मार्च निकाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा प्रकोष्ठ हम के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद अमानत हुसैन ने की। मार्च में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। मांग कर रहे हैं युवा आयोग का गठन किया जाए। दूसरी बात यह है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए। आप हालात देख चुके हैं लॉकडाउन में सारे किसान, अरे किसान की बात क्या किया जाए, बड़े से बड़े लोग, सारे बिजनेसमैन चाहे कोई भी हो, सब लोग बर्बाद हो चुके हैं। सोचिए साहब किसानों का क्या हाल होगा। आज हम यही डिमांड करना चाहते हैं किसानों का कर्ज माफ किया जाए। साहब आप बात करते हैं रोजगार देने की, 15 साल में बताए सरकार एक भी फैक्ट्री लगी हो, एक भी बिहार में कोई फैक्ट्री लगी हो तो आप बताएं साहब। अरे आप बात बाहर जितनी प्रवास जितने मजदूर आए कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे साहब? आपके वो 2 किलो चावल, 3 किलो आपके गेहूं से क्या उनका घर चल जाएगा? अरे आप उनके रोजी को मुहैया करवाइए, प्रवासी मजदूरों को रोजगार दीजिए, उनको फ्री में राशन दीजिए, किसानों का कर्ज माफ करिए। और हमारे बिहार के चिराग, बिहार के शेर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी का जो हत्या हुआ है, उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, कोई भी बिहारी आत्महत्या नहीं कर सकता है। वो शेर था हमारे बिहार का, उसका सीबीआई का जांच क्यों नहीं हुआ अभी तक? आज कितना टाइम बीतने को आया, अभी तक उसका सीबीआई जांच क्यों नहीं हुआ साहब? कोई बड़े से बड़ा शख्सियत होता, बड़े से बड़ा मिनिस्टर होता और बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी होता, उसका जांच होता। ये बिहार का लड़का, उसको आपने अछूत छोड़ दिया है, उसका सीबीआई जांच क्यों नहीं हुआ? हम मांग करते हैं सरकार से कि उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए। और भी जो चल रहा है पक्ष विपक्ष का बात, विपक्ष की तुम कमजोरी है, सरकार जो चाहती है करती, विपक्ष तो पीछे ही रहता है। नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ, जो चीज हुआ इम्प्लीमेंट हुआ, पीछे कभी नहीं सरकार। नहीं सर, हम लोगों ने आवाज उठा दी है सर, अब ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। ये शुरुआत जो यहाँ से हुआ है पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक से, जो कि हम शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाल रहे हैं, अब आवाज उठ चुकी है, युवा एक हो चुका है। समझिए युवा, युवा जब रोड पे आ जाए तो समझ जाइए कोई भी सत्ता नहीं बचती है साहब। सत्ता के नशे में जो चूर बैठे हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप गुर्बत बहुत बना चुके, बेवकूफ़ बहुत बना चुके, अब वक्त जा चुका है। युवा पढ़ा लिखा साहब है, उसे आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं क्या? आप एक बात बताइए, हम मीडिया वाले भैया से पूछना चाहते हैं, आप बताइए क्या प्राइवेट कंपनी और सरकार कंपनी में फर्क है? क्या प्राइवेट कंपनी में रोबोट काम करता है और सरकारी कंपनी में इंसान काम करते हैं? काम वहाँ भी इंसान करते हैं, काम यहाँ भी इंसान करते हैं, फर्क क्या होता है? कॉन्सेप्ट का, मैनेजमेंट का। तो क्या आप क्यों नहीं जो प्राइवेट सेक्टर में हाईली प्रोफाइल, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो पढ़ लिख के आए, उनको आप अपने गवर्नमेंट में नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सीधा प्राइवेटेशन किए जा रहे हैं, उनको भेज दो, उनको दे दो, उनको दे दो। अरे अपने पास की क्या चीज़ की कमी है? ना जब गवर्नमेंट के पास इक्विपमेंट की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना कॉन्सेप्ट की कमी है, सिर्फ मैनेजमेंट करने की बात है। सिर्फ मैनेजमेंट कर दें, सिर्फ हो जाएगा, तो सीधा प्राइवेटेशन कर देते हैं। हर कुछ तो जा रहा है हमारे हाथ से। सुशांत सिंह को अगर सीबीआई जांच नहीं होगा तो आपको स्टैंड क्या होगा? सर देखिए, आज हम यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत का अगर सीबीआई जांच, अगर आज से कल 2-3-4 दिनों में अगर ये सरकार ऐलान नहीं करती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम इसका आंदोलन करेंगे। हम ऐसे जाने नहीं देते, हमारे बीच से गया दुख, हमें तकलीफ हमें है। हमारे बिहार का शेर था स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, मगर सरकार हायर सरकार कैसी सरकार है? बस पिताजी से गए, मिले, भूखे दे दिए, हाथ जोड़ लिया। नहीं सरकार साहब, नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। सुशांत सिंह के जितने भी हत्यारे हैं उनसे, उनको सख्त सजा दिला के रहेंगे, जब तक इस जिस्म में जान है हम सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिला के रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में इकलौता चैलेंज करना चाहता हूँ, मेरा नाम सैयद अमानत हुसैन है, उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश में युवा प्रकोष्ठ में, चैलेंज करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इकलौता नेता है जी जीतन राम मांझे जी, जिनको हर कोई प्यार करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, सब मोहब्बत करते हैं। क्योंकि मांझी जी अपने दरवाजे पर नहीं बुलाते कि हम बैठे एसी में, आप आइए इंतजार करिए। मांझी जी सबके द्वारे बैठ के खाते हैं साहब, चाहे वो मुसलमान के घर जाना हो, चाहे वो SC ST के घर जाना हो, चाहे वो सबके साथ मिल के रहते हैं। इकलौता नेता है जीतन राम मांझी, और उन्हीं की अध्यक्षता में हम यहाँ आज आए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जीतन राम मांझी जिंदा।
मगर सरकार के कान खींचे जूरी नहीं रेंग रही है। वो त्रासदी देख चुका है कंकड़बाग का क्या हाल था, उसके बाद से भी सबक नहीं लिया सरकार ने। बस उनके ऊपर डाल लेना, केंद्र पे डालना, राज्य पे डालना। तुम हमको बोलो, हम तुमको बोले, वाह साहब क्या खेल हो रहा है। और शाम में बैठ के चाय साथ में पी रहे हैं, सुबह में उनको बोल रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं, मगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आप देख सकते हैं दो दिनों की बारिश में, आप लोगों ने ही खबर दिखाया था कि दो दिनों की बारिश में पटना में क्या हाल हुआ था, वही देखिए। अब देखिए मौसम का आसार है, बारिश का आसार है, ऋतु आ चुका है, अब देखिए आगे क्या होता है। उन्हें सिर्फ चुनाव की चिंता है, वर्चुअल रैली कर रहे, करोड़ों का टीवी लगा रहे हैं, करोड़ों का टीवी लगा रहे हैं साहब, करोड़ का टीवी। मजदूर जो गरीब वहाँ से आया है, उसके घर में सब रोटी नहीं है, और ये दरवाजे पे सर बड़ा बड़ा 51 और 100 इंच का टीवी लगा रहे हैं। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। नेता बाद में बनोगे, विधायक बाद में बनोगे, मंत्री बाद में बनोगे, पहले एक इंसान तो बनो ना, इंसान को बनो। अगर सच्चा सेवक जनता का वही होता जो जनता के द्वारे जाए, जनता उसके द्वार नहीं जाए। सच्चा नेता वो होता है जो जनता के पास जाए। हमारे नेता है जीता नाम मांझी, पूरे हिंदुस्तान में एक लौता नेता है। जिंदाबाद। सर इनको पिछले साल से सबक नहीं मिला, नहीं मिला काम है, हर जगह ओपन ड्रेनेज कर दिया साहब। देखिए बात क्या है ना, जिसका जाता है दर्द उसको होता है जी, जिसको फर्क ही नहीं, उनको क्या फर्क है साहब। उनको गाड़ी सील गाड़ी में, उनको ऐसी गाड़ी में निकलना है, और उनको जहाँ जाना है अपना कार्यालय चले जाना है। उस गरीब से पूछे, उस मजदूर से पूछे, उस रिक्शे वाले से पूछे, उस ऑटो वाले से पूछे, उस टमटम वाले से पूछे, जो बेचारा वही चला के रिक्शा, मेहनत मुशक्कत करके रिक्शा चला के, ठेला चला के, जो आप मेहनत करता है, और उसके पास पानी रहता है, आधा आधा कमर तक पानी है साहब। आप सरकार चाहिए जो प्रेस रिलीज में दे दो, हमें संविधान ने राइट दिया है सर। हम सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करते हुए कर रहे हैं। आप देख लीजिए हमारे जितने भी लोग हैं सब फुल मास्क लगाए हुए हैं, हमारे सैनिटाइजर है, सारे चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग अगर आंदोलन भी करेंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, तो गैपिंग बना बना के बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए बैठेंगे। अभी हम देखिए हम शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं, जो लीगली हो तो वो हम काम कर रहे हैं। कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई कॉलेज से है, कोई यूनिवर्सिटी से, सारे लोग पढ़े लिखे युवा यहाँ मौजूद हैं, तो वो सारे लोग है, कोई उपद्रवी यहाँ मौजूद नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं और सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। अगला कार्यक्रम क्या उसके बाद? हमने क्या कहा कि 3 से 4 दिन के अंदर अगर सरकार सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई जांच कराने का ऐलान नहीं करती है, उसके बाद से हम अपना आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और भी हमारा निम्नलिखित देखिए, यहाँ सारे पॉइंट हमने दर्शा दिए हैं, सारा संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है, आरक्षण से छेड़छाड़ हो रहा है, एसटी ओबीसी के नाम पे ये हो रहा है, सूची में नहीं डाला गया एसएससी का, क्यों नहीं नौवीं सूची में डाला गया, 10% मिला है आरक्षण में, युवा गठन में डाला गया है, युवा गठन की बात क्यों संविधान से छेड़छाड़ होता है, युवा आयोग का गठन कब होगा, विशेष राज का दर्जा कब मिलेगा साहब। आप तो बड़ा चिल्ला रहे थे विशेष राज का, हम आएंगे सत्ता में विशेष राज का दर्जा दिलवाएंगे, विशेष राज का कहाँ गया विशेष राज का दर्जा, सेंट्रल में भी आप है, स्टेट में भी आप है, आप क्या विदेश से आप राष्ट्र करवाइएगा, आप कहाँ से पास करेंगे विशेष राज का दर्जा, सेंट्रल में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार, हर जगह आप गठबंधन करके बैठे हैं, उसके बाद